हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के चिप्स बनाने की बहुत ही लाजवाब आइडिया, जिसे आप देखते ही बनाएंगे और एक बार बना लेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि इसे बार बार बनाऊं। इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ली हूँ 1 कप सूजी। सूजी चाहे आपका मोटा हो या पतला हो, लेकिन इसे 1 से 2 राउंड इस तरह से मिक्सर जार में डाल के ज़रूर चला लीजिएगा। इससे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा सूजी ज़्यादा पिस जाएगा और वो आटा के जैसे हो जाएगा, क्योंकि आज मैं केवल सूजी से ही आपको बताऊंगी चिप्स बनाने का तरीका। तो यहाँ पर मैं सूजी के साथ कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 राउंड इसे चला ली हूँ और अभी ये थोड़ा सा मोटा भी होगा तो कोई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगी कि इसे फिर क्या करना है। और 1 कप सूजी है तो इसमें 1 कप ही पानी डाल देती हूँ और 1 कप पानी डाल के और इसे ढक के छोड़ दूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए। तो सूजी में कुछ पार्ट बहुत अच्छे से पिस गया है और कुछ अभी मोटा ही है। तो अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ 1 कप, जितना हमारा सूजी है उतना ही पानी इसमें डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर दे रही हूँ, जिससे कि सूजी हमारा फूल जाए। तो सूजी बहुत ज़्यादा पानी सोख करता है, इसके लिए अभी 1 कप ही इसमें पानी डाल रही हूँ। बाद में लगेगा तो मैं बताऊँगी कि इसमें डालना है या नहीं डालना है। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दे रही हूँ। कुल मिला के 1 कप पानी डाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिलते रहेगी। और पहले हमारा वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज़ देखें हमारे चैनल पे, आपको इतना सारा पापड़ का वीडियो मिलेगी जो आप देखते ही बनाएंगे, जिसमें पालक के पापड़, लौकी के पापड़, टमाटर के पापड़, आलू के पापड़, बेसन के पापड़, चना दाल से बनाए जाने वाले पापड़, उड़द दाल से बनाए जाने वाले पापड़, जो कि बिना बेले हुए बना के मैं दिखाई हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं वो सब वीडियो। चलिए इसे ढक के छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है ढका हुआ, तो एक बार चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए इसे मैं क्या की थी फ्रेंड्स, वो मैं नहीं आपको दिखा पाई। वापस से इस मिक्सर जार में डाल के फूलने के बाद वापस से मिक्सर जार में डाल के और एक बार और अच्छे से चला दी। इससे देखिए कितना अच्छा स्मूथ एकदम बैटर हमारा हो गया है। अब इसमें सूजी का कण नहीं बचा है और इसमें कोई भी चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ सूजी से ही बनाना है। तो आप भी क्या कीजिएगा, जब आपका सूजी फूल जाए फिर उसे वापस से डाल के आप एक बार चला लीजिएगा। और आपको पहले लगे कि पहले नहीं पीसूँ, इस तरह से ही फूलने के लिए डालूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, जब फूल जाए तो आप पीस सकते हैं। तो जो जैसे मैं बना रही हूँ सिर्फ आपको वैसा ही बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे आपकी मर्जी। अब इसमें डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक बहुत कम ही डालिएगा, थोड़ा कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच जीरा। और आज मैं अलग अलग फ्लेवर का आपको चिप्स बना के दिखाऊंगी, चिप्स कह ले, पापड़ कह ले, जो कह ले। तो यहाँ पर इतना सारा बैटर ही बनाई हूँ मैं और इसमें ही आपको बताऊंगी 3 फ्लेवर का चिप्स बनाने का तरीका। तो नमक और जीरा ऐड करने के बाद अलग अलग इसे कर ले रही हूँ। तो 3 में अलग अलग फ्लेवर का आज मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ली हूँ करी पत्ता। देखिए कितना ताज़ा ताज़ा करी पत्ता है। आपके पास है तो आप करी पत्ता के फ्लेवर का भी पापड़ बना सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो करी पत्ता को इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ और एक में डाल दे रही हूँ। नमक तो पहले डाल ही चुकी हूँ और एक में डालूँगी धनिया की पत्ती। तो इस तरह से पत्ती पत्ती ही तोड़ के डाल रही हूँ, एकदम जैसा उसका डिज़ाइन होता है ना पत्ता का, वैसा वैसा ही तोड़ तोड़ के इसमें डाल दे रही हूँ, एक में धनिया पत्ती। और एक में डालूँगी चिली फ्लेक्स, जो कि सूखा हुआ मिर्ची को थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा कूट के और इसमें डाल रही हूँ। तो तीनों में 3 फ्लेवर का आपको टेस्ट आएगा। एक ही बार बनाएंगे लेकिन 3 फ्लेवर का चिप्स आप बना पाएंगे। और बनाने का तरीका ऐसा बताऊँगी कि एक ही बार में आप चाहें तो 20 से 25 चिप्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों जिसमें ग्रीन पत्ता है उसमें डाली हूँ ग्रीन चिली का पाउडर। आप देखना चाहते हैं, ग्रीन चिली पाउडर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाली हूँ, उस दोनों में ग्रीन चिली फ्लेक्स डाली हूँ, जिससे कि थोड़ा सा
उसमें भी तीखापन आ जाए और कलर बिल्कुल भी चेंज ना लगे। तो देखिए मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। तो अब चलिए अब चिप्स बना के दिखाती हूँ कि चिप्स को बनाना कैसे है। तो यहाँ पर ले ली हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दे रही हूँ एक ग्लास पानी और इसे ढक दे रही हूँ जब तक हमारा पानी में हल्का सा उबाल आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक मैं ले ली हूँ एक थाली बड़ा सा। तो आज मैं इसी थाली में आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगी और बता दूंगी। तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल के और अच्छे से इसे ग्रीस कर ले रही हूँ जिससे कि हमारा चिप्स अच्छे से निकल जाए जब इसे निकालूँ। तो कढ़ाई भी बड़ा ली हूँ और थाली भी बड़ा ली हूँ। आपका यदि कढ़ाई छोटा होगा फ्रेंड तो आप 20 से 25 चिप्स एक बार में नहीं बना पाएंगे। हमारा थाली भी बड़ा और कढ़ाई भी बड़ा है तो मैं 20 से 25 चिप्स एक बार में बना के निकाल सकती हूँ। तो पानी देखिए गर्म हो गया है, अब इस पे डाल दे रही हूँ थाली को जिससे कि थाली हल्का सा हमारा गर्म हो जाएगा पहले। और इसमें डालूँगी, आप चाहें तो चूड़ी डाल के बना सकते हैं। तो चूड़ी वाला शेप थोड़ा सा छोटा चूड़ी लीजिएगा तभी तो चिप्स बनेगा। देखिए छोटा छोटा सा चूड़ी मैं ली हूँ और इसे अच्छे से सजा दे रही हूँ जितना आ जाए एक बार में थाली में। तो बहुत सारा हमारा चूड़ी इसमें आ जाएगा क्योंकि चूड़ी का साइज भी छोटा है और थाली काफ़ी बड़ा है। और एक मैं तरीका आपको बताऊंगी जिसे आप बिना चूड़ी का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं साड़े में डालती हूँ और साड़े में डाल दूंगी एक एक चम्मच बैटर को और इस तरह से इसे चूड़ी के अंदर ही शेप दे देना है। तो आप बहुत ज़्यादा मोटा मोटा मत डालिएगा, थोड़ा सा चम्मच छोटा ही लीजिएगा क्योंकि चूड़ी छोटा है, इस अनुसार से आप डाल लीजिएगा। तो साड़े को मैं डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें डाल दी हूँ करी पत्ता, धनिया पत्ता और चिली फ्लेक्स, तीनों फ्लेवर वाले पापड़ चिप्स को मैं इसमें डाल दी हूँ। देखिए और देख पा रहे हैं भाप के वजह से सूखना भी शुरू हो गया है, तो इसे ढकना नहीं है, इसी तरह से ये अच्छे से सूख जाएगा। देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला जो चिप्स है वो सूख भी गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंदर से इसमें भाप लग रहा है, भाप के वजह से ही ये ड्राई हो जाता है। तो देखिए कितना आसान तरीका है। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब इसमें शेप दे दिए हैं ना तो चूड़ी को हटा लीजिएगा उसी समय से। पापड़ जैसे कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं रह गई, निकाली नहीं, तो इधर वाला ये तीन चूड़ी जो है हल्का सा इसमें चिपक गया है तो निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जब आप शेप दे दें उसी वक्त में चूड़ी को निकाल लीजिएगा। देखिए इधर सूख चुका है, अब इसे निकाल ले रही हूँ सारे चूड़ी को अच्छे से। और जब तक हमारा ये वाला बनेगा तब तक मैं दूसरे थाली में इसी तरह से अरेंज करके रखती हूँ और फिर उसमें भाप लगा दूंगी। बस कुछ ही सेकेंड लगेगा और आपका बहुत सारा चिप्स बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बोली थी ना कि अच्छी पक गया है, चूड़ी गर्म भी हो गया है काफ़ी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, इसमें सेप डाल के चूड़ी को निकाल लीजिएगा क्योंकि थाली गर्म रहता है, बैटर सेट हो जाएगा। तो अब मैं दूसरे थाली में भी इसी तरह से सेट करके रख लेती हूँ। तो इसमें चिली फ्लेक्स वाला डाल देती हूँ। अब बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, तो आप देख पा रहे होंगे मैं एक कप में एक कप ही पानी डाली थी और उसे अच्छे से पीस के ले ली हूँ। आपका सूजी यदि मोटा वाला है तो बाद में आप पुल लगे थोड़ा पानी तो आप थोड़ा सा एक से दो चम्मच पानी और ऐड कर दीजिएगा। और इसमें कोई भी मीठा सोडा पापड़ खार कुछ भी नहीं डाली हूँ। तो देखिए अभी के समय में ही आप चूड़ी को निकाल लीजिएगा, देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए एक तरीका ये है जिससे कि आप बिना चूड़ी का भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा चम्मच में लीजिए बैटर को और थाली में डायरेक्टली आप डाल के उसे हल्का सा गोल कर दीजिए। तो दो तरीका हुआ ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा कि एक ही तरीका बताई। अब थाली ठंडा हो गया है, अब इस तरह से छोली से हल्का सा इसे इस तरह से कीजिए अंदर से, देखिए खुद ब खुद निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हल्का सा आप थाली को ग्रीस करके उसके बाद बनाइएगा, देखिए अपने आप ये निकलना शुरू हो जाता है। और वापस से बचा हुआ जो पेस्ट होगा उसे इस थाली को अच्छे से पहले साफ़ कर लीजिएगा, फिर से ग्रीस करके और बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स साड़े को बना के मैं डाल दे रही हूँ पंखे के हवा में सूखने के लिए।
और धूप है तो धूप में सुखा, नहीं है धूप तो पंखे के हवा में आप सुखा लें, बहुत ही अच्छे से सूख के तैयार हो जाता है और लंबे समय तक ये चलता है। जब आपको कुछ खाने का नमकीन मन हो तो चटपट से आप इस चिप्स को छान के खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ चिप्स में मैं कलर डाल के बनाई थी, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का ऐसा कमेंट आता है ना कि कलर इस्तेमाल मत कीजिए, चाहिए वो तो उनके लिए ये सफ़ेद वाला चिप्स है जो कलर नहीं खाना चाहते हैं। जो थोड़ा सा कलरफुल मिजाज के हैं, जिन्हें कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए कलर वाला चिप्स है। तो आपको जो मन करे वो बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो चिप्स को फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि कितना ये फूलता है। देखने में छोटा है ना, लेकिन साइज इसका जितना साइज का चूड़ी है उतना साइज का हो जाएगा। तो देखिए चिप्स कितना अच्छा हमारा फूला है और छोटू छोटू सा बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चिप्स वाली वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक से दो चिप्स मैं आपको दिखाती हूँ सफ़ेद वाला को फ्राई करके, जो कि देखिए सफ़ेद वाला कलर से कुछ भी अंतर नहीं होता, ना साइज में अंतर होगा ना ही टेस्ट में अंतर होगा, सिर्फ देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और क्या। तो ये देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद साइज का चिप्स बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे चिप्स को मैं फ्राई करके भी आपको दिखा दी हूँ। देखिए सफ़ेद वाला चिप्स सफ़ेद सफ़ेद सा है और देखिए चिली फ्लेक्स कितना अच्छा लग रहा है, कलर वाले चिप्स बनाए हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।